और यहाँ ए चंदन दलदल है भाई, बहुत चंदन जनाब। हम समीट ग्रेस होटल से चेकआउट अभी कर चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं, ये गाड़ी मैंने बुक करी है 8541 मैं फ़ोन करके पूछ लूँ क्या ये किसका गाड़ी है। दुआर्स यही है तब मिस। हाँ नहीं नहीं तब वो सुनने में या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, 8241 है। तो जनाब मैं इस वक्त हूँ समीट ग्रेस होटल के ठीक सामने और मैंने अभी भी चेकआउट करी है, सुबह का 9 बज रहा है सुबह का 9 बज रहा है और मेरा प्लान है द्वार जाने का और सफारी करने का। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अरे यहाँ के बहुत सारे सफारी होते हैं बट अभी कोविड का पैंडेमिक चल रहा है तो सफारी बहुत सारे अवेलेबल नहीं है, बट जो भी सफारी अवेलेबल रहेगा मैं उसको आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं दिखाऊंगा वहाँ पे अपने होटल्स को कि मैंने कम बजट में वहाँ पे कैसे होटल्स बुक करिए और होटल्स का रिव्यू भी मैं शेयर करूँगा। सो लेट्स गो इनसाइड। नॉर्मली ये जो मेरा ये पिट्ठू बैग है इस बैग को मैं देता नहीं कहीं रखने के लिए, नॉर्मली मतलब गाड़ी में चेक इन करने के लिए, चेक इन वो फ्लाइट वाला चेक इन वैसे ही गाड़ी वाला चेक इन में मैं नॉर्मली अपने छोटे वाले बैग को देता नहीं हूँ क्योंकि इस छोटे वाले बैग में मेरा प्रीसियस आइटम्स रहता है लाइक कैमरा, चार्जर, पावर बैंक और जैसे मतलब मेरे सारे प्रीसियस चीज़ जैसे कैमरा वगैरह, छोटे कैमरा, बड़ा कैमरा, जो कैमरा आप देख रहे हैं समटाइम्स इस कैमरा को भी मैं इसी बैग में रखता हूँ। मेरा पैसा, ATM वगैरह सब इसमें रहता है तो मैं हमेशा इसके अपने साथ ये रखता हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है जैसे मेडिसिन, आई कार्ड वगैरह, तो मैं उसको अपने साथ ही रखता हूँ। सामने बैठेगा तू क्या करें? मैं सामने बैठता हूँ। तो ब्लॉगर होने का प्रायोरिटी एक मिलता है, मुझे सीट हमेशा सामने का मिलता है। एक मैं ब्रेक लिया हूँ अभी, इस वक्त मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं ये गाड़ी। मैंने अभी एक्चुअली ये सीन, ये नज़ारा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और यहाँ का जो एयर है इतना फ्रेश और इतना कूल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा रुक कर एक दो वीडियो शॉट्स ले लिया जाए। वीडियो शॉट्स लेना तो बनता है और थोड़ा सा एक छोटा ब्रेक भी लेना बनता है। तो द्वार किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं है, द्वार एक ग्रुप ऑफ प्लेसेस है जहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स है। कुछ नेशनल पार्क्स का नाम मैं बताता हूँ, जैसे बक्सा टाइगर रिजर्व है, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है जहाँ पे आप सफारी भी कर सकते हैं और सफारी का इन्फॉर्मेशन मैं वहीं पे प्लेस पे जाके दूंगा, सफारी का टिकट का प्राइस और सफारी का जो टाइमिंग है। तो बात मैं कर रहा था द्वार्स का, तो द्वार्स में ये सारे नेशनल पार्क्स हैं और बहुत सारे टूरिस्टिक प्लेसेस हैं, नेचुरल प्लेसेस हैं जहाँ पे आप उस प्लेसेस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो टाटा सुमो है इसी को मैंने बुक किया है। अब मैं बताता हूँ मैं दार्जिलिंग से द्वार जा रहा हूँ उसके लिए मैंने कितना रुपया पे किया, तो मुझे ये दिल 3,500 में मिल गया। ये वही जनाब है जिनके साथ हम कल घूम रहे थे, दार्जिलिंग का साइट सीन किए और मेरे मित्र बंधु पीछे थोड़ा फोटो सीजन चल रहा है हम लोगों का। अब मुझे थोड़ा सुसू लगा है तो जाता हूँ एक झाड़ी में निपटा लेता हूँ, मिलते हैं सुसू ब्रेक के बाद। सो आई जस्ट गेट डाउन फ्रॉम दिस कार एंड ये मेरा रिसॉर्ट है, इट्स टाइम टू चेक इन दिस रिसॉर्ट। नाउ यू कैन सी दिस रिसॉर्ट बिहाइंड मी, ये एक 3-स्टार प्रॉपर्टी है और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ चेक इन चेकआउट बार बार चेक इन चेकआउट करा किए जा रहा हूँ और मैं इंटेंशनली बार बार प्रॉपर्टी बदल रहा हूँ ताकि मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के रिव्यू को शेयर कर पाऊँ। तो
इस प्रॉपर्टी का नाम है सन एंड रिसोर्ट सर्विस। और चलता हूँ चेक इन काउंटर पे। चेक इन काउंटर कहाँ है भैया? सो चेक इन करवाता हूँ। वी हैव अ बुकिंग। कि मैंने अपने दिल छोटे फ्री है कि आर ओ चार्ज है? आर ओ है कि क्या है? ऐसे ही और रिसोर्ट्स को आपको दिखाता हूँ। ये देखिए छोटे छोटे रिसोर्ट्स हैं और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 4,600 चार लोगों के लिए। एक रूम का मुझे पड़ा है 4,600 दो रात के लिए, मतलब एक रात के लिए ये पड़ेगा तकरीबन 2300 रुपये के आसपास। हाँ 2300 रुपये एक रात के लिए, दो रात के लिए मैंने पे किया है 2600 रुपये और कुछ समथिंग। रिसोर्ट के अंदर कोई है नहीं तो मैं घुस कर दिखाता हूँ। ये खाली है, ये दूसरा रिसोर्ट का रूम है। ये रूम थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है इस रूम का टैरिफ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अफोर्ड ज़्यादा होगा इस रूम का टैरिफ। और इसके पास में एक और रिसोर्ट है। इस पूरे कंपाउंड में, इस पूरे रिसोर्ट में हम अकेले ही हैं। ये रूम भी उससे थोड़ा सा अच्छा है। तो ये कंपाउंड, तो मेरे इस रिसोर्ट के पास ही एक रिवर है और ये आप देख सकते हैं, ये मेरा रिसोर्ट है। रिसोर्ट के ठीक पीछे एक रिवर है और इस रिसोर्ट का जो ये व्यू है वो रिवर फेसिंग है। और यहाँ पे गेट है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हम इस गेट को खुलवा रहे हैं और प्लानिंग है इस रिवर में थोड़ा सा मस्ती करने का, थोड़ा सा नहाने का। क्या इटा नाम किया चाहिए नुदित? नेवरा रिवर। नेवरा रिवर, नेवरा रिवर। ओके, तो नेवरा रिवर के बीच पर हम जा रहे हैं विद सम बीचेस। कट कट, इस सीन को कट कर देता हूँ। और ये हमारे आइटनरी में इंक्लूड नहीं था, इसे हम रनिंग में और इसे हम रनिंग में इस आइटनरी को ऐसे कूदा क्यों? ऐसी मन किया नहीं, कोई कोई जरूर कोई रीज़न है। ये क्या है? पानी निकल रहा है, कुछ है इसके नीचे पानी है। पानी है और कोई जानवर? सो पानी में मैं आ चुका हूँ और इस रिवर को आप देख सकते हैं बिल्कुल गहरा नहीं है और मेरे नीचे कीचड़ भी नहीं है, मेरे पाँव के नीचे बालू है, ढेर सारा बालू है। और ये रिवर भी काफ़ी चौड़ा है। मेरा आप रिसोर्ट देख सकते हैं, वो मेरा रिसोर्ट है, जो रेड कलर का हट आप देख रहे हैं वो है मेरा रिसोर्ट। तो मैंने सोचा कि आज के दिन को यूटिलाइज़ किया जाए और पास में जो रिवर है उसका थोड़ा सा फन लिया जाए। और पानी काफ़ी ठंडा है। इस वक्त मैं पूरा रिवर के बीच में हूँ आप देख सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल कम है। आप, मैं दिखाता हूँ पानी के डेप्थ को। रिवर के बीच में हूँ और पानी बस इतना है और पानी काफ़ी ठंडा है, पाँव के नीचे बालू है, सुबह का मौसम है, हवा ठंडा चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, मतलब ये एक अनप्लान। और यहाँ ए चंदन, दलदल है भाई, मैं कितना घुस गया एक बार में देख। ये बालू बहुत ख़तरनाक है, बिल्कुल दलदल है, अचानक से मैं ज़मीन के अंदर घुस गया हूँ। ये
रिवर दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है उतना खूबसूरत है नहीं। देख मैं एक बार में कितना कूद गया। नहीं नहीं निकल निकल निकल। और ये वो ब्रिज है जिस ब्रिज से हम फर्स्ट मैन, ये देख निकल निकल निकल। आए आए एक बार इधर। मैं दो तीन बार फंसा इसीलिए, दो तीन बार ज्यादा मैं फंस गया। वायलेंट देखू क्या एक्सीडेंट हो जाएगा। पानी तो कम है, हमें पानी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो बालू है वो बहुत दगाबाज बालू है। पांव रखते ही पूरा अंदर घुस जा रहा है। कभी कभी चीज़ें जितनी सरल दिखाई देती है, चीज़ें जितनी सिंपल दिखाई देती है, उतनी सिंपल होती नहीं है। और इसी चक्कर में कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। क्या पता एक्सीडेंट हमारे साथ भी अभी हो जाता। टाइगर खत्म है।